बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के किसानों को सेल्फ डिफेंस में कराटे के माध्यम से जवाब देने पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार से जवाब ही तो मांग रहा है और चुने हुए विधायक उनकी समस्या का जवाब न देकर कराटे और लाठी से जवाब देने की बात कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। सरकार जवाब ही नहीं दे रही है किसानों को, किसानों को बुला लिया जाता है, जलील कर लिया जाता है। और लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी प्रथा नहीं है। और मैं एक बात जानता हूँ, जवाब तो अंग्रेजों ने भी बहुत दिया था, जलियांवाला बाग का भी कांड किया था। क्या हमारे देश के लोग, भारत माँ के सपूत, डर गए अंग्रेजों से? और मुखर होके आए, और ज्यादा शहादतें दी, और ज्यादा कुर्बानियां दी। तो ये जनता को ललकार है ना, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अंबाला शहर की आईटीआई में सूक्ष्म विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों से संबंधित समस्याओं के निपटारे, योजनाओं के बारे में जानकारी और उनका लाभ उठाने के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला की CJM सुखदा प्रीतम कौर शिरकत करने पहुंची। अच्छा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमने एक माइक्रो लीगल सर्विस कैंप लगाया है। ऐसे हम 5 कैंप्स लगाएंगे, एक मेगा कैंप 14 तारीख को बराड़ा में भी है। तो ये उसी का एक छोटे लेवल का कैंप है, जिसमें हमने बहुत तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट की एक छत के नीचे रखी हैं आम आदमी के लिए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग आएंगे, विजिट करेंगे, उनको सरकार की स्कीमों के बारे में पता चलेगा एंड आई थिंक दे विल बी वेरी मच बेनिफिट। जींद आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने मंगलवार को भी अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखा। आंगनवाड़ी वर्करों ने मांगों को लेकर ज्ञापन विधायक कृष्ण मिड्डा को सौंपा। उन्होंने मांग की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को NGO को ना सौंपा जाए। आंगनवाड़ियों की जो हैं ये महिलाएं, इनकी थोड़ी सी दिक्कत है और इनसे इन्होंने ज्ञापन दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि जो भी इनकी समस्या का हल हो सकता है वो इनकी समस्याओं का हल करें। किस तरह का आश्वासन दिया सर आपको? यही कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि जो इनकी समस्याएं हैं उनका हल हो सके। जैसा कल पूरे हरियाणा में किसान रोड पर प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर, तो उसके ऊपर देखिए वो किस हिसाब से, मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बैठ कर ही कोई ना कोई फैसला होता आपसी बातचीत से। और जब कोई ऐसा विवाद, उचाना के गांव कहसून में रात को खाना खाकर गली में घूम रही महिलाओं के साथ गांव के ही दो युवकों ने उनकी अश्लील वीडियो बनाई और विरोध करने पर गाली गलौज की। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों के खिलाफ धमकी देने और SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दी थी लेडीज ने में वहाँ पे उचाना थाने में, उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट में लिखा था कि मेरे गांव के कुछ लड़कों ने हमें घूमने के लिए गए थे खेत में, तो वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया उचाना थाने में और कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही। तो क्या मारपीट भी हुआ लेडीज ने बताया? उन्होंने अपनी कंप्लेंट में एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने हमारी वीडियो बनाने की कोशिश की, जब हम उनका विरोध किया तो हमारे साथ मारपीट आई, लड़ाई झगड़ा किया, जिसमें शेड्यूल कास्ट से थी लेडीज और जो एक्यूज थे वो ब्राह्मण कास्ट से हैं, तो इसलिए उसमें ST/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी मामले दर्ज करके अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। किस टाइम घटना हुई शाम के? ये शाम के करीब 7। यूपी के लखीमपुर में किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ की गई अभद्रता के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पलवल में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और पूर्व विधायक उदय भान ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जैसा कि पूरे देश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने, जो किसानों को मंत्रियों के लड़कों ने गाड़ियों के नीचे रौंद करके उनकी हत्या करने का जुर्म किया है उसके विरोध में, और जो हमारी पार्टी के नेता प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो बर्ताव किया है, उनको जनमानस तक नहीं जाने दिया, उनको रेस्ट हाउस के नाम पर जेल में बंद करने का काम किया उसके एवज में, और हमारे अपने इलाके में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और जो कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, जो लूट यहाँ पर मची हुई है, भ्रष्टाचार जो मचा हुआ है, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है,